नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर के नए एपिसोड में। दोस्तों अभी भी फिलहाल हुंडई ने अपनी नई गाड़ी हुंडई एल्केज़र को भारतीय बाजार में कर दिया है लॉन्च। लेकिन हुंडई एल्केज़र एक 7 सीटर एसयूवी है और भारतीय मार्केट में अगर हम एसयूवी की बात कर रहे हैं तो एल्केज़र की बहुत सी कॉम्पिटिटर्स हैं। सफारी है, इनोवा है, स्कॉर्पियो है, एक्सयूवी 500 से बहुत सी गाड़ियाँ हैं। आज के दोस्तों हमारा ये पहला एपिसोड है इस कंपेयर को लेकर, और आज हम क्विक कंपेयर करेंगे हुंडई एल्केज़र और टाटा सफारी के बीच में और जानेंगे कौन सी में है ज़्यादा फीचर्स, कौन सी गाड़ी है ज़्यादा बड़ी और कौन सी है गाड़ी ज़्यादा दमदार। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग एंड डिटेल्स के साथ। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए, एल्केज़र में पेट्रोल में 7 और डीजल में 7 वेरिएंट्स आते हैं और ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों मॉडल्स में उपलब्ध है। ऑन रोड प्राइसिंग की मैं बात करूंगा, 19 लाख से शुरू होती है, 23,50,000 रुपये तक टॉप मॉडल आ जाती है आसपास अप्रॉक्सीमेटली। सफारी की बात करूँ, सफारी में डीजल में 15 मॉडल आते हैं, पेट्रोल इसमें कुछ भी नहीं आता है। बात करें यहाँ पर इसकी कीमत शुरू होती है ऑन रोड 17,48,000 से, टॉप मॉडल कीमत 25,30,000 रुपये के आसपास में चल जाती है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब इतने में आपको मिल जाती है। तो नोटिस करने वाली बात क्या है, कंक्लूजन में आए तो दोस्तों देखिए, प्राइसिंग की कंक्लूजन ये निकलती है कि आपको जो एल्केज़र है इसमें पेट्रोल का ऑप्शन है जबकि डीजल में नहीं है। अगर हम यहाँ पर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो जो एल्केज़र है इसका जो बेस मॉडल है वो सफारी के बेस मॉडल से करीबन 1.5 लाख रुपये महंगा है, और सफारी आप 1.5 लाख रुपये सस्ता लगा के इसका बेस मॉडल ले सकते हैं। एल्केज़र का जो टॉप मॉडल है वो सफारी से सस्ता पड़ता है आपको। दोस्तों बात करें अब इसके बाद हम लोग डिज़ाइन और डायमेंशन की। डिज़ाइन से के हिसाब से बात करें दोस्तों, एल्केज़र जो है ये एक 7 सीटर एसयूवी वाइज डिज़ाइन है और ये गाड़ी दोस्तों क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस बनाई गई है और दिखने में सामने से तो क्रेटा लगती है लेकिन पीछे से थोड़ा अलग लगता है ये गाड़ी। सफारी की बात करूँ दोस्तों, इस गाड़ी को भी हैरियर जैसा ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लेकिन ये गाड़ी दोस्तों लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन और इसको ओमेगा के स्ट्रक्चर पर बनाई गई है। तो आपको इतने सस्ते में लैंड रोवर का मज़ा मिल जाएगा, उसकी बात अलग है। लेकिन हाँ, डिज़ाइन वाइज आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों लेंथ, विड्थ एंड हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, जो हमारी सफारी है वो 161 mm ज़्यादा लंबी है एल्केज़र से। यहाँ पर चौड़ाई की बात करें तो सफारी 104 mm ज़्यादा चौड़ी है, और ऊंचाई की बात करें तो 111 mm ज़्यादा ऊंची है सफारी एज़ कम्पेयर टू एल्केज़र। तो ऑन द सेम प्राइस आपको सफारी में ज़्यादा बड़ा गाड़ी देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू एल्केज़र। डायमेंशन वैल्यूज़ आपके सामने, आप फैसला कर सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन दोनों में है। बूट स्पेस आपको एल्केज़र में 180 लीटर का और सफारी में 73 लीटर्स का देखने को मिल जाता है। हालांकि आप बूट स्पेस को पिछली सीट को फोल्ड कर अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कौन सी गाड़ी बड़ी है और कौन सी गाड़ी छोटी है। हालांकि प्रैक्टिकल बेस में दोनों गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन एक सवाल आता है कि कौन सी गाड़ी दिखने में बड़ी लगती है, तो वह है सफारी। बात करें हम लोग इंजन की, तो इंजन के मामले में दोस्तों जो हमारा एल्केज़र है इसके अंदर दो प्रकार के इंजन कंपनी लाए हैं। पहला है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर का इंजन है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 156 BHP का विद द टॉर्क ऑफ 191 Nm, टॉर्क बहुत अच्छी है इंजन है। दूसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि NU2 इसका नाम है। ये दोस्तों 4 सिलेंडर का इंजन है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 113 BHP का विद द टॉर्क ऑफ 250 Nm टॉर्क। बात करें सफारी की, तो सफारी के अंदर आता है 2 लीटर का कायरोटेक टर्बो डीजल इंजन जो कि 4 सिलेंडर का इंजन है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 167 BHP का विद अ टॉर्क ऑफ 350 Nm टॉर्क। गाड़ी 6 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध है, और 6 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक एल्केज़र में भी आता है, पेट्रोल में भी डीजल में भी। तो कंक्लूजन में आए तो देखिए, इंजन के मामले में देखिए, पहली बात तो जो एल्केज़र का पेट्रोल इंजन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पावर जनरेट करता है। लेकिन मैं डीजल की बात करूँ तो अगर हम डीजल को कंपेयर कर रहे हैं सफारी के डीजल इंजन के साथ, तो किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है डीजल के मामले में, तो वो है सफारी का। बाकी रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल का ऑप्शन सिर्फ एल्केज़र में है, सफारी में नहीं आता है। बात करें हम लोग यहाँ पर गाड़ी के अंदर से देखें तो देखिए, आप जो एल्केज़र देख रहे हैं अभी, ये है दोस्तों 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि क्रेटा जैसा मुझे दिखने में लग रहा है। एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले नेविगेशन, और एक अच्छी बात यह है कि 360 डिग्री का व्यूइंग कैमरा भी इसके अंदर आएगा। 8 स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं, और गाड़ी का इंटीरियर आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करें सफारी की, तो इसके अंदर आपको 2 प्रकार के टच इंफोटेनमेंट सिस्टम आते हैं, एक लोअर मॉडल में 7 इंच का, अपर मॉडल में जाएंगे तो 8 इंच का, 8.8 इंच का आता है। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले नेविगेशन जैसे बेसिक से फीचर आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, और 8 स्पीकर जो आपका लोअर मॉडल उसमें आता है, और 9 JBL के स्पीकर टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं तो पहले मैं डिस्प्ले पर चला देता हूँ, आप ध्यान से देखिए देखिए और बताइए किसका आपको इंटीरियर पहले पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
तो अगर आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले पसंद है तो वो आपको एल्केज़र में देखने को मिल जाता है। और सफारी की बात करूँ तो यार इसका भी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल दिखने में लगता है। तो ओवरऑल क्विक कंपेयर को हम यही करते हैं कसम। बाकी दो चीज़ें बचती हैं, वो है सेफ्टी फीचर्स एंड द कंफर्ट एंड फीचर्स। दोस्तों जो कंफर्ट फीचर होता है इसको हम क्विक कंपेयर में नहीं ऐड करते। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा। दोस्तों अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं एल्केज़र के 7 डीजल मॉडल और सफारी के 15 डीजल मॉडल। इनमें से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से दो मॉडल्स के बीच में कंपेयर देखना चाहते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों के बीच कंपेयर लाएंगे। और अभी के लिए कंक्लूजन पे आएं, देखिए कौन सी गाड़ी बड़ी है तो आप समझ चुके हैं, डायमेंशन वैल्यूज आपके सामने है। कौन सी गाड़ी में इंजन ज़्यादा पावरफुल है तो वो भी आप देख चुके हैं। कौन सी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी आपकी जो राय है वो ज़रूर लिखें आप कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों हमारा काम है कंपेयर करना, आपका काम है डिसाइड करना कि कौन सी गाड़ी सही है या नहीं। तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी पसंदीदा कार को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मेक श्योर ऑटो कंपेयर को करें सब्सक्राइब। आगे आने वाले सीरीज़ में आपको ये गाड़ी इनोवा के साथ, XUV500, स्कॉर्पियो जैसे कई मॉडल्स के साथ कंपेयर करने को मिलेगी आने वाले 1-2 हफ्ते में। तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।